एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजलि, सेंटर हेड फ्रॉम इंदिरा आईवीएफ प्रयागराज। तो आज हम बात करेंगे आईवीएफ की सक्सेस के बारे में। जो भी कपल्स आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनके मन में एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि आईवीएफ की जो सक्सेस है, कितना सक्सेसफुल होगा ये ट्रीटमेंट एंड हमें कितने अटेम्प्ट्स लेने पड़ेंगे, हमारी पहली बार में सक्सेस जो है वो कितनी रहेगी। तो आईवीएफ की जो सक्सेस है वो दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर डिपेंड करती है, जिसमें से एक है एम्ब्रियो क्वालिटी और दूसरा है बच्चेदानी की जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है उसकी थिकनेस। तो यदि हम एक अच्छी क्वालिटी का एक ए ग्रेड का ब्लास्टोसिस्ट बना के यदि हम उसको एक अच्छी बच्चेदानी में डालते हैं जिसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस अच्छी है, 7 से 12 मिलीमीटर के बीच में है, विद अ गुड ब्लड सप्लाई, then the success rate of IVF can be as high as 80-90%. Because generally दो अच्छे ब्लास्टोसिस्ट यदि डाले जाते हैं तो सिंगल ब्लास्टोसिस्ट के जो इम्प्लांटेशन के जो चांसेस रहते हैं वो 50-60% होते हैं। और यदि हम दो एम्ब्रियोज, वो भी टॉप क्वालिटी एम्ब्रियोज यदि हम बच्चेदानी में डालते हैं तो लगभग 80-90% कपल्स को पहली बार में ही जो है सक्सेस मिल जाती है। लेकिन अगर बच्चेदानी की लेयर कमज़ोर होती है, लेयर में मतलब बच्चेदानी की जो एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो यदि 7 मिलीमीटर से कम है, या फिर जो एम्ब्रियो क्वालिटी है वो यदि अच्छी नहीं है, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि जो आईवीएफ की जो सक्सेस है वो इन कपल्स में थोड़ी कम होती है। लेकिन ऑन एन एवरेज 70-80% कपल्स को पहली बार में ही जो है सक्सेस मिल जाती है। तो बिल्कुल भी डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा होगा सक्सेस नहीं होगा, हमारा पैसा भी लग रहा है, हमें सक्सेस पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये बहुत ही पेशेंट फ्रेंडली प्रोसीजर है और सक्सेस रेट भी इसकी बहुत, अभी मैं कहूँगी बहुत हाई हो गई है। एंड विद ऑल द रिसेंट एडवांसेस, ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, वी आर, हम लोग बहुत अच्छी एक सक्सेस जो है दे रहे हैं कपल्स को।